हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी वेज आलू मसाला चीज़ सैंडविच। ये बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में घर पे रखे सामान से बन जाता है और ये आप बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। तो मैं एक मिक्सी जार में हरा धनिया ले रही हूँ और इसी के साथ मैं हाफ कप पुदीना ले रही हूँ। तो मैं ये पुदीना के पत्ते ऐड कर रही हूँ इसी के अंदर, और इसी के साथ मैं इसके अंदर लहसुन की कली डाल रही हूँ। ये मैंने 7 से 8 ली है। अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और मैंने ये स्पाइसी वाली तीखी 4 से 5 लंका मिर्ची ली है। थोड़ा सा मैं अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ इसके अंदर, और थोड़े से मैंने इसके अंदर मूंगफली के दाने ऐड किए हैं। अगर आपके पास मूंगफली के दाने नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। और इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून नमक, और मैं 1/2 कप इसके अंदर भुजिया ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा इसके अंदर हमें नींबू का रस यूज़ करना है। और ये मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, ये मैं एकदम चिल्ड वाटर ले रही हूँ। आप चाहो तो इसके अंदर आइस क्यूब्स भी डाल सकते हो। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है एकदम। तो अब हम हमारा मसाला बना लेते हैं। तो ये कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, और इसी के साथ मैं इसके अंदर हींग डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट कर लिया था, और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। और अब इसके अंदर डाल रहे हैं नमक, थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, तो मैंने ये 1 टीस्पून डाला है, और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के हमारे मसाले। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरावन मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला या फिर सैंडविच मसाला है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट जीरावन मसाला से और भी अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे मैश किए हुए आलू। तो ये मैंने 6 से 7 बॉइल आलू लिए हैं, जिनको मैंने रफली मैश कर लिया है, और अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। अगर आपको कोई आलू बड़ा लगता है तो आप उसे मैश कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है हमें, और अच्छे से इसे मिक्स करते रहना है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वो। तो मैं 2 चम्मच ग्रीन चटनी यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, जो इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर इसे हमें फिक्स से मिक्स कर लेना है। तो हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। तो अब हम हमारा सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए, इसके ऊपर हम अच्छे से बटर लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों ब्रेड पे अच्छे से बटर लगा लिया है, और अब इसी के ऊपर हम हमारी ग्रीन चटनी को भी अच्छे से लगा लेंगे। ग्रीन चटनी आपको जितना स्पाइसी पसंद हो उस हिसाब से ऐड करें। अगर आपको एक ब्रेड पे ग्रीन चटनी लगानी है तो आप एक ब्रेड पे टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। और अब इसके अंदर हम हमारा आलू का मसाला लगाएंगे। और अच्छे से इसे हम फैला देंगे। और अब एक ब्रेड को इसके ऊपर मसाले के ऊपर रखेंगे, और इसी के ऊपर अब हम टमाटर की स्लाइस को रखेंगे।
और अब इसके ऊपर मैं प्याज को भी रख रही हूँ। आप अगर खीरा यूज़ करते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, अगर आपको शिमला मिर्ची पसंद है तो आप वो भी रख सकते हैं। और इसी के ऊपर मैं फिर से जीरावन मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़। अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है तो आप स्लाइस भी रख सकते हैं इसके अंदर। और अच्छी तरह पूरी ब्रेड पे हम इसे लगा लेंगे। और फिर हम हमारी दूसरी वाली स्लाइस इसके ऊपर कवर कर देंगे और अच्छे से इसे हम थोड़ा सा दबा देंगे। तो ये मैंने तवा गरम होने रख दिया था और इसी पे मैंने दोनों साइड इसके अच्छे से बटर लगा दिया है। ये मेरा मेल्ट किया हुआ बटर लगाया है मैंने इसके ऊपर। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। अगर आप हाई रखेंगे तो हमारी ये सैंडविच जल जाएगी। और अच्छे से हमें इसे दोनों साइड अच्छे से बटर लगा के क्रिस्पी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है ब्रेड का। इसी हिसाब से हम दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आपको कहीं किनारे पे कलर कम लगे तो आप इसके अंदर फिर से बटर लगाकर इसे सेक सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम हमारे सारे सैंडविच को तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा चीज़ सैंडविच। इसको आप बच्चे को टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है। इसको मैंने चिप्स और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो टमाटो केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और सामने जो बेल आइकन दिया उसे भी प्रेस कर दो, जिससे मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।